आज हम टमाटर की रसम बनाएंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं टमाटो की रसम बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने जो सामान लिया है वो ये है। ये मैंने 3 बड़े टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, और ये जो घर पे रसम मसाला बनाया था वो है। और हमें और चाहिए 1/2 चम्मच राई, 1 चम्मच गुड़, 1/2 चम्मच जीरा, 5 से 6 लहसुन की कली, 2 लाल मिर्च, हींग 1/4 चम्मच, कड़ी पत्ता, और ये इमली का पानी है 2 चम्मच तक। आप डायरेक्ट इमली भी डाल सकते हो, उसका गूदा भी डाल सकते हो, मैंने पानी निकाल लिया। और ये हरी धनिया, और बनाने के लिए तेल चाहिए तो मैंने कढ़ाई में डाला हुआ है। चलिए मैं दिखाती हूँ। ये मैंने तेल गर्म होने रख दिया है, 2 चम्मच तक तेल डाला है। आप जैसा कम ज़्यादा खाते हैं वैसा तेल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी ये गर्म हो गया है, तो इसमें मैं डाल दूंगी जीरा, राई, कटे हुए लहसुन, हींग, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च। इनको अब मैं अच्छे से भून लूंगी। इसी में मैं डाल देती हूँ ये कटे हुए टमाटर, इसको हमें गलने इस तरह से चलाते हुए गलाएंगे, और फिर इसमें नमक हम अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे। इसमें नमक मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देती हूँ, और इसको ढक के थोड़ी देर मैश होने के लिए पकने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए ये अच्छे से मैश हो गए हैं। अब मैं इसमें ये जो मैंने रसम पाउडर बनाया था उसका 1 चम्मच डाल देती हूँ। इस तरह से 1 चम्मच डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिलाती हूँ। इसी में डालती हूँ अब मैं पानी। इसमें अच्छे से पानी पड़ जाता है, ये पतला ही खाया जाता है इसलिए इसको पतला ही बनाना पड़ता है। 1 से 1.5 गिलास पानी पड़ जाता है, और फिर आप जैसा खाएं वैसा कर सकते हैं। ये अभी ठीक है। इसी में डाल दूंगी गुड़, ये जो गुड़ लिया था गुड़, इमली का पानी। अब इसको मैं इस अच्छी तरह से 5 मिनट तक उबालूंगी। ये पक गई है, 10 मिनट तक मैंने उबाल ली थी इसको अच्छी तरह से। अब इसको गैस बंद करके हरी धनिया डाल देती हूँ। ये मैंने हरी धनिया डाल दी। अब ये हमारी रसम बन चुकी है। इसको आप चावल के साथ करिए, मैं इसको बाउल में सर्व कर लेती हूँ। देखिए ये बहुत ही टेस्टी बनी हुई है और बहुत ही अच्छी खाने में है। इसको आप चावल के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।